हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका आईक्यू फ़ोन है तो आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो आपके फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप सेट कैसे कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप सेट कर सकते हैं। जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से रिफ्रेश रेट है आपके फ़ोन में शो होता है। जैसे स्मार्ट स्विच 60 हर्ट्ज़ एंड 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट को आप सेट कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप सेट कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर भी स्क्रीन रिफ्रेश रेट को सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी सेट कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शन आ जाता है डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले ब्राइटनेस पर जाकर भी स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप सेट कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने आईक्यू।